जीएम ग्लास फैक्ट्री के गोदाम में बीती देर रात लगी भयंकर आग। थाना टुंडला क्षेत्र राजा का ताल रोड का मामला। मौके पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों के साथ पहुंचे सीए फोजसवीर सिंह मरशाट। सर्किट बताया जा रहा लगने का कारण फिरोजाबाद थाना टुंडला क्षेत्र राजा का ताल रोड स्थित जीएम ग्लास फैक्ट्री के गोदाम में बीती रात अचानक भयंकर आग लग गई, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां पहुंच गई, थान पुलिस भी पहुंच गई। काफी देर तक आग पर काबू पाने का प्रयास जारी रहा। वहीं इस संबंध में फायर ब्रिगेड के साथ आए अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिली थी थाना टुंडला क्षेत्र राजा का ताल रोड स्थित जीएम ग्लास फैक्ट्री के गोदाम में संभवत शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दमकल की दो गाड़ियां भी पहुंच गई। सीए फोजसवीर सिंह भी आगे हैं। बाकी काफी देर तक आग पर काबू पाने का प्रयास जारी रहा। ये भी बताया गोदाम में कांच की बोतलों आदि के साथ अन्य सामान रखा था, जो जेसीबी से हटवाया गया। कितना क्या नुकसान हुआ है इसका अभी आकलन नहीं हुआ है। ये तैयार माल रखा है इनका गोदाम में, जीएम ग्लास में, उसमें आग लगी है। अब हमको सूचना मिली है, दो गाड़ियाँ आ चुकी है, सीएफओ साहब भी मौके पे हैं और आग को बुझाए बुझा रहे हैं। किस तरीके से आग लगी थी, कुछ पता है क्या? अब कारण का तो शायद शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और तो कुछ है नहीं, लाइट वाइट अब भी चल रही है उसमें, तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। और कहाँ पर है ये है जी फैक्ट्री? कौन सी है, कहाँ पर है फैक्ट्री? जीएम ग्लास है। कहाँ पर, किस जगह? ये राजा के ताल क्षेत्र में पड़ती है, राजा के ताल क्षेत्र में जीएम ग्लास गोदाम है। तैयार माल रखा है, बोतलें हैं उसमें लगी है। जेसीबी से चद्दर वद्दर हटवाई हैं, आग बुझाई जा रही है दोनों तरफ से। आग कंट्रोल में, वैसे कोई खास बात नहीं। अभी अभी तो बाकी, अभी आग बुझाई जा रही है।